गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट कैसे बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन कर लो। सभी ने इंग्लिश की नोटबुक ओपन कर ली और आज न्यू पेज पे बच्चों आज की जो तारीख है वो डालेंगे। आज क्या तारीख है? 24 जुलाई 2023। तो सभी ने तारीख डाल ली। सभी ने अपने अपने पास अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ले लिया और आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये थ्री डॉट बनाया है, थ्री डॉट की सहायता से अपने क्या बनाएंगे? ए फॉर एप्पल। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि नीचे वाले डॉट से ऊपर वाले डॉट को मिलाया और ऊपर वाले डॉट से इस डॉट को मिलाया, इनके बीच में क्या किया? एक लाइन खींची, जिससे ये क्या बन गया? ए फॉर एप्पल। इसी प्रकार एक और बनाएंगे अपने ए फॉर एप्पल। जैसे ये तीन डॉट बनाए और इस नीचे वाले डॉट से ऊपर वाले डॉट को मिलाया, इस ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट को मिलाया और फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी, तो ये क्या बन गया? ए फॉर एप्पल। और उसी तरह से अपन, और ए फॉर एप्पल के बाद में क्या आता है? बी फॉर बॉल। और बी फॉर बॉल के लिए हम टू डॉट्स यूज़ करेंगे। तो इन दोनों डॉट्स को अपनों ने मिला दिया और उसके बाद में एक राउंड शेप दी ये, और नीचे साइड भी एक राउंड शेप दी। तो ये दोनों राउंड शेप से क्या बन गया? बी फॉर बॉल। उसी प्रकार ए दो डॉट बनाए और फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची और फिर इधर से राउंड शेप दिया और एक इधर से दिया और ये अपना क्या बन गया? बी फॉर बॉल। उसी प्रकार से सी फॉर कैट बनाएंगे और बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है? सी फॉर कैट। तो इसके लिए भी अपने दो डॉट यूज़ करेंगे सी फॉर कैट के लिए। तो सी फॉर फर्स्ट डॉट से राउंड शेप में देंगे अपने सेकंड डॉट की ओर, तो ये हमारा क्या बन गया? सी फॉर कैट। इसी तरह इसके लिए भी दो डॉट यूज़ करेंगे और फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट की ओर जाएंगे राउंड शेप में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सी फॉर कैट। अब हम बनाएंगे सी फॉर कैट के बाद क्या आता है? डी फॉर डॉग। तो डी फॉर डॉग के लिए भी हम टू डॉट यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेकंड, और फिर इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट की ओर जाएंगे तो ये डी फॉर डॉग बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? डी फॉर डॉग। जैसे कि इसमें फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट की ओर गए फिर इधर गए, तो ये हमारा क्या बन गया? डी फॉर डॉग। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट की ओर, फिर इस साइड से अपने घुमाएंगे तो इसको क्या बन जाएगा? ये डी फॉर डॉग। थैंक यू सो मच। और बच्चों, जब भी आप आओगे तो ये वर्क अपना आपका किया होना चाहिए और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में किया होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।